हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24th of January एंड 25th of January 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट को सर्च कर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जितनी भी नई करंट अपडेट्स आते हैं पैटर्न रिलेटेड या फिर कोई रिजल्ट रिलेटेड, सबसे पहले आप लोगों को वहां पर नोटिफाई कर दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी कंटेंट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड में प्रॉब्लम होने से आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताएं। डेली के साथ साथ दोस्तों अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाइए, विजिट करिए, रजिस्टर करवाइए और वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स का भी लुफ्त उठाइए। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। विच वॉज यूज एज अ कैरियर जेट फॉर द टेस्टिंग ऑफ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ? हॉक MK-132, जेएल थंडर, मिग, राफेल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हॉक MK-132। इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे दोस्तों। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ। The Defense Research and Development Organization Thursday conducted a successful trial of the indigenously developed smart anti-airfield weapon SAW of the Odisha coast from the Hawk I Jet of Hindustan Aeronautics Limited. तो बेसिकली दोस्तों ये जो आप लोग का वेपन रहेगा जिसका नाम आप लोग का क्या रहेगा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये जो आपके, अगर मैं इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँ तो इसको जिस टेस्ट फायर किया गया था जिस मशीन के थ्रू या फिर मैं बोलूँ जिस वेपन के थ्रू, तो वो आपका पहली बात तो उसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज योर हॉक MK-132 ऑफ HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited, right? उसके बाद दोस्तों ये जो डिजाइन और डेवलप किया गया है पूरा, ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया आपका DRDO के द्वारा, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि इसका रेंज कितना है दोस्तों, तो इसका आपका रेंज हो जाएगा पूरा पूरा 100 किलोमीटर्स का, ठीक है। 100 किलोमीटर्स का रनवे और रेंज ये क्या कर सकता है, आपका पूरी तरीके से टारगेट कर सकते हैं एनिमी वेपन का, ठीक है। ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप पर बना सकता है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC टू कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डैश इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। रक्षा, कवच, किशोर, भारत। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कवच। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड ANC टू जॉइन कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड एज कवच इन अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एक कवच बोल के एक्सरसाइज चालू की गई है, किस कहाँ पर, आपके अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल। द एक्सरसाइज मीन इन्वॉल्व अ सेट ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The joint force would conduct multi-domain high-intensity offensive and defensive maneuvers, amphibious landing operations, air-landed operation, helicopters, borne insertion and special forces from sea, culminating tactical follow-on operations on land. The tri-services exercise aimed to further strengthen the joint war fighting capabilities and SOPs towards the enhancing operational synergy, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है, एक तो एक्सरसाइज का नाम आ सकता है दोस्तों, और ये कहाँ कंडक्ट की जा रही है, तो अंडमान में, अंडमान सी में और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार कमांड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर थ्री हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देख लेते हैं। इन विच सिटी मिनिस्टर, दैट इज योर होम मिनिस्टर, ठीक है, इन विच सिटी और होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट्स न्यू 4-lane तालतेज सिलज रणचंद्र रेलवे ओवरब्रिज। अहमदाबाद, सूरत,
राजकोट वडोदरा हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज अहमदाबाद राइट। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे ध्यान रखोगे, यहाँ पर हम लोग डिटेलिंग पढ़ पा रहे हैं जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो फोटो में दोस्तों, ये आप लोग का अहमदाबाद में एक फोर लेन क्या बन रहा है ब्रिज बना है जिसका नाम आप लोग का क्या है ये ओवरब्रिज बनेगा, रेलवे ओवरब्रिज है दोस्तों। इसको बिल्ड करने में करीबन करीबन 55 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं ठीक है, और इनॉग्रेट इसका किसके द्वारा किया गया है तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। सेवरल डिजिटरीज इंक्लूडिंग डेप्यूटी गुजरात डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन पटेल वर प्रेजेंट एट द प्रोग्राम ठीक है, ये बात भी आप लोग इधर क्या करोगे ध्यान रखोगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, वो क्वेश्चन नंबर फोर हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इनॉग्रेटेड इन, तो इंडिया का सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज जो है दोस्तों वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, आसाम वेस्ट बंगाल मणिपुर मेघालय है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज मेघालय ठीक है। तो मेघालय में दोस्तों सबसे बड़ा सबसे लंबा रोड आर्क ब्रिज यहाँ पर क्या गया इनॉग्रेट किया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। आर्क क्या होता है दोस्तों आप लोग को पता होगा, ये ब्रिज कुछ इस तरीके से होगा देखने में ठीक है, ये आप लोग का फ्रंट व्यू है, ये जो व्यू है आप लोग का फ्रंट व्यू है, ये यहाँ से ये व्यू लिया गया है इसलिए ये यू दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको फ्रंट यहाँ से देखा जाए सामने से तो इसका कुछ इस तरीके से आपको देखने को ये मिलेगा ठीक है। मेघालय चीफ मिनिस्टर कोनार्क के संगमा इनॉग्रेटेड इंडिया लार्जेस्ट आर्क ब्रिज जिसका नाम आपका क्या है वारू आर्क ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट सोबर इन ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट एट मेघालय 22 जनवरी 2021। इसका जो कॉस्टिंग पड़ी है नियर अबाउट 50 करोड़ पड़ी है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेघालय की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कैपिटल क्या हो जाता है, तो मेघालय का कैपिटल आप लोगों का हो जाएगा शिलोंग, गवर्नर का नाम हो जाएगा आपका सत्यपाल मलिक ठीक है, और वही चीफ मिनिस्टर का बात करेंगे दोस्तों तो मैंने बता ही दिया कोनार्क संगमा ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। नेम द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च वर्चुअली फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बाय यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, कर्म शक्ति श्रम शक्ति आत्मशक्ति युवा शक्ति, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज श्रम शक्ति ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा क्या किया गया, एक माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम आपका क्या है श्रम शक्ति। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा लॉन्च्ड अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल दैट इज नोन एज योर श्रम शक्ति ड्यूरिंग अ वर्चुअल प्रोग्राम अनाउंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड इन पंजिम गोवा ऑन January 22, 2021। द मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च श्रम साथी एज ट्रेनिंग मैनुअल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स टू एंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ लाइवलीहुड माइग्रेशन इज सेफ एंड प्रोडक्टिव। Apart from this, a dedicated migration cell was also launched in Goa to facilitate and support migrants who come across different states of Goa. This makes Goa first destination of the state to India to set up dedicated migration cell as address to diverse issues of migrant workers. Very very important question. ये भी बन सकता है दोस्तों कि कौन सा ऐसा state है, तो ये आपका क्या हो जाएगा Goa हो जाएगा first destination for migrant cells, migration cells ठीक है, very very important, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, नाम जरूर ध्यान रखिएगा portal का that is श्रम शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर सिक्स हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछता है डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अवलोकना दैट विल एनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू असेस डेटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स, कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश आसाम, हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका की बात करूं तो चीफ मिनिस्टर का नाम हो जाएगा BS येडियुरप्पा और आपका गवर्नर का नाम हो जाएगा वाजुभाई वाला ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटका के सीएम येडियुरप्पा ने क्या किया है, यहाँ पर बेसिकली एक लॉन्च किया है अवलोकना सॉफ्टवेयर टू एनेबल द गवर्नमेंट टू असेस डेटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग 39 डिपार्टमेंट्स ऑन 1800 प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड बाय देम ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप ध्यान रखोगे कि नाम क्या है सॉफ्टवेयर का दैट इज अवलोकना और कौन से किया गया है, तो सीएम येडियुरप्पा जो कि कहा है आपके कर्नाटका के ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्या करनी होगी ध्यान रखनी होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज अ बेसिकली दोस्तों ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस टूल होगा जहां पर आप लोगों के सारे रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सेवन हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इनॉग्रेट सेवेंथ एडिशन ऑफ Masquerade 2021 organized by FICCI, Rajnath Singh, Harshvardhan,
Narendra Modi, Ramnath Kovind. Here the correct option will be option number B, that is Harshvardhan. ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, यहाँ पर 7th edition Masquerade 2021 का organize किया गया है, ठीक है, जिसको आप लोगों का जो inauguration है किसके द्वारा होगा, तो health minister जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन उनके द्वारा होगा। 2 दिन का ये पूरा प्रोग्राम होगा, FICCI कास्केड जो है कमिटी उनके द्वारा ही क्या दिया किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू कॉम्बैट द इलसिट ट्रेड एंड स्पेशली इन द कोविड एरा, राइट। तो ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। और भी जानकारी के लिए आप लोग ये पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है करंट अफेयर्स का जो आजकल वेटेज है, जो दबदबा एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, हर एग्जाम में आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर्स का जो पार्ट रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस एग्जाम या फिर अगर बात करें तो इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम होता है 6 to 8 months से करंट अफेयर्स आपके आपके टिप्स पर होने चाहिए, कमांड पर होने चाहिए, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अविजन एजेंसी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avijan.co.in पर भी जाकर जरूर विजिट करिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली रिलीज द डैश एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 16th, 15th, 18th, 20th। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16th एडिशन। यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, रिलीज किया गया है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली रिलीज द 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006। द रिपोर्ट शेयर्स द रिजल्ट ऑफ लेटेस्ट ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे कंप्लीटेड बाय ओवर 650 मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाइवर्स लीडरशिप कम्युनिटीज, राइट। तो WEF के जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हैज बीन प्रोड्यूस इन पार्टनरशिप विद द मार्श मैकलन एंड एसके ग्रुप एंड ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, कौन सा एडिशन हुआ था, तो 16th एडिशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें पूछता है नरेंद्र चंचल associated to which of the following field, actor, singer, filmmaker, politician. Here the correct option will be option number B, that is singer. तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि popular भजन singer, ये भजन के लिए काफी famous थे नरेंद्र चंचल, इनका देहांत हो चुका है दोस्तों, demise है और बिचरी है आपके exam के लिए बहुत important रहेगी, 1 से 2 question और बिचरी पे हमेशा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इन्होंने काफी जाने माने भजन गाए हैं, जैसे तूने मुझे बुलाया शेरावाली है, ठीक है, अम्बे तू जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, नाम तिहारो, काफी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन यहाँ पर गाए, इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। एंड ही आल्सो सैंग अ बॉलीवुड सॉन्ग बेशक मंदिर मस्जिद ऑफ 1973 फिल्म बॉबी एंड वॉन अ फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड आल्सो, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ये देख लेते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड एट पेरिस, लंडन, वॉशिंगटन, जेनेवा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लंडन, ठीक है दोस्तों। तो आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 2 करोड़ रुपए की, किसके ऊपर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंपोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया फॉर डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। द पेनल्टी हैज बीन इंपोज्ड ऑन द बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड एंड कंटेन्ड इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो फ्रॉड्स को नहीं बताने के लिए या फिर डिले से डिस्क्लोज करने के लिए यहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर 2 करोड़ की दोस्तों पेनल्टी लगाई गई है, किसके द्वारा, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। आरबीआई की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आरबीआई का जो एक्ट आया था वो आया था 1934 में और आरबीआई ने काम करना स्टार्ट किया था 1935 में, ठीक है। ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। आरबीआई के रिसेंटली गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, और कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, तो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, एक का नाम आपका क्या हो जाएगा, महेश कुमार जैन, दूसरे का बीपी कानूनगो, तीसरे का एम राजेश्वर राव, और चौथे का जो आपका नाम हो जाएगा वो आप लोगों को हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। तो दोस्तों ये था पूरा टोटल टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर ऐसे लोग जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें भी इन वीडियोज का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।